Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my channel, BS Education Subman. Today I am here to discuss English vocabulary from the Hindu editorials, Indian Express, both newspapers. Exam point of view, important sessions in, please complete video देखिएगा. अगर कोई भी words में doubt हो, कोई भी articles में आपके दिमाग में questions हो, तो please comment box में comment कीजिएगा. If you are preparing SPA, IBPS, PO and Clerk, very important upcoming banking exams, IBPS, PO है, तो उनसे related vocabulary words बहुत important है. Clerk हो, SSC हो, RBI हो, इससे भी competitive preparations कर रहे हैं, तो आपके this sessions का जबारे बारे important sessions है. Okay, free of cost आपको PDF available है, तो please comment box में comment कर दीजिएगा sir, PDF free है, 100% मैं PDF का देखकर activate कर दूंगा. I start the session and before that, if you have any questions, please subscribe to our channel and then like the video and then share the videos so that most of the students will be able to reach. And per vocabulary of the sentence, you will be able to create. Okay, and we will start the next week. This year, today is 2nd September. First week, first week, September month, first week of the program. मोटिवेशन स्कोर क्या है दीजिए आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन को लेते हैं सभी को आपकी फैमिली को योर फैमिली एंड टू ऑल माय स्टूडेंट्स योर फैमिली सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी का रहकर से इस पेज पे इस ग्रेजुएशन यही कामना करते हैं कि जो ये ईयर है इसमें आपके सभी का सिलेक्शन हो उसी के रिलेटेड ठीक देखिए एक मोटिवेशन स्कोर भी है एंड थोड़ा सा इन पे आपके क्या सकते हैं इंटरव्यू शुड इंपॉर्टेंट रहा मैं देखिए और ये अपन डिस्कशन करेंगे ठीक देखिए मंजिले भी जीती है रास्ते भी जीती है देखते हैं कल क्या होगा हौसले तो हमारे जीती है आई होप आपको शॉर्ट में आई होगी इट मीन्स कहना ये चाहता है कि मंजिलें आपकी बहुत जीती है बहुत लोग इस टाइप से एक दूसरे कह सकते हैं कोई अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं से जैसे कि किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो एक तरह से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस मोरल डाउन कर देते हैं बट ये मोरल डाउन करने की तरह से उसका सॉल्यूशन कुछ अच्छी चीज वहां से अपने क्या मेरे एक तरह से क्या मेरे अशुभ हाथ के किस बेसिस पे करिए बट इज द रीजन सो तो रीजंस क्या है तो उससे रिलेटेड जो बेटर करके नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में आपके अच्छी प्रिपरेशंस करनी चाहिए ओके टेंस ऐसे के बेसिस पे मैंने लिखी गणेश जी की ज्योति से जो मिलता है ऐसे सबके दिलों को शुरू हो गया है जो भी जाता है गणेश जी के जो भी चलता है गणेश जी के द्वारा कुछ ना कुछ जरूर मिलता है जरूर मिलता है ओके गणपति बप्पा हो गया सभी का सभी का दिन सभी का दिन मंगल है इसी कामना के साथ गणेश जी की भगवान से गणेश से यही कामना करते हैं कि और हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जिस किसी भी एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बेसिस पर अच्छा उनके मुकाम तो ले लें कि एक्चुअली जो मंजिल से उनके टारगेट है वो अच्छे से अचीव कर पाए ओके नेक्स्ट चलते हैं पर आज के आर्टिकल्स पे देखिए एंड बिफोर द लिंग्विस्टिक्स इंफॉर्मेशन इंग्लिश वोकैबुलरी एंड इंडियन सेंटेंसेस 16 वर्ड्स मैंने प्रोवाइड किए हैं कल के वीडियो में 25th सितंबर से 1st सितंबर तक ये ऑल वर्ड्स हैं पीछे हमारे ऑल ओवर वीकली जो वोकैबुलरी वर्ड्स आई थी द एनुअल ट्यूटोरियल्स में वो मैं डिस्कशन ये ऑल वर्ड्स सारे कलेक्शन 60 वर्ड्स टुगेदर है तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो भी जल्दी देख लीजिएगा वीडियो पीछे तो बता दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार चाहिए का देखिएगा ओके एंड देन आर्टिकल्स देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स ये एंड सेकंड आर्टिकल्स आपके ये राइट सेकंड आर्टिकल्स एंड ये फर्स्ट आर्टिकल्स कहता है ए रिस्पांसिबल रिटोरिक और पाकिस्तान से रिलेटेड थ्रेट नंदन्स आपके पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आपको मालूम होगा 370 आर्टिकल्स 370 आर्टिकल जब से रिवोक हुआ है तब से पाकिस्तान की तरफ से आपको 100% वहां का वहाँ का जो चीफ आपके रेल मिनिस्टर्स हैं रेलवे मिनिस्टर्स हैं एंड वहाँ की जो इधर से विदेश मंत्री हैं फॉरेन मिनिस्टर्स हैं एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर्स इमरान खान भी पूरी तरीके से ऑल ओवर एक तरह से भारत को इंटिमिडेशन कर रहे हैं इट मीन्स एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर के बेसिस पे आपको मालूम है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है एंड इंडिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है ओके तो उसके बेसिस पे कहा गया है कि लेखक के अनुसार कि एक तरह से बहुत ही नजरअंदाज एक तरह से रिस्पॉन्सिबल से कोई भी इसका तथ्य भी नहीं है कि किस किसी को एक तरह से ग्राउंड फॉर एक तरह से इंटिमिडेशन कर रहा है किसी के लेवल पे तो इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कोई इसका मेंशन नहीं है एक तरह से राइटर यही कहना चाहता है
उसके बेसिस पर आर्टिकल्स में ये कहा गया कि पूरी तरह से पाकिस्तान से रिलेशंस हो गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स भी हो गए, लीडर्स भी हो गए, और पर पाकिस्तान से जो पॉलिटिकल सीनेटर से जो गवर्नमेंट रहे कि वो थ्रेट कर रहे हैं, कैसे इंटिमिडेशंस कर रहे हैं, रिटॉरिक कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर छोड़ देंगे, हम न्यूक्लियर पावर खेल नहीं दे रहे हैं इस बेसिस पे। और कुछ ऐसे कैसे भी आए हैं आपको जिहाद के बेसिस पे, जिहाद का मालूम किस बेसिस पे जिहाद मत करना, जिहाद बहुत बड़ा एक तरह से इम्पोर्टेंट, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा एक तरह से वहाँ पर अपने समाज में इसे वेरी वेरी एक तरह से क्रूशियल भी आप कह सकते हैं, एक तरह से बहुत ही अच्छी अच्छी बात नहीं है एक तरह से जिहाद के बेसिस पर। बहुत अच्छे तरीके से लोग इसके बारे में जो पाकिस्तान से जैसे जो बहुत ज़्यादा आपकी सिख कम्युनिटी ले लीजिए, अपनी सिख कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में था, सिख कम्युनिटी की वहाँ की गर्ल्स को एक तरह से अगवा कर लिया था, उनको एक्चुअली वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो उसी से रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स में कहा गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्टर देना इंटिग्रेशन करना कम करें, तो अपने स्टेट से अपने अपने जो देश है पाकिस्तान उसके बेसिस पर वहाँ के बेसिस पर जो रेट चल रहे हैं, वहाँ के बेसिस पर जो महंगाई चल रही है, मालूम है अभी 157 डॉलर है पाकिस्तान के जो करेंसी है 157 डॉलर के बेसिस पर चल रही है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है वहाँ पर। 10.03 एक्चुअली फिगर्स मेरे को एक्जैक्ट नंबर है, आई होप 10.03% वहाँ पर अभी महंगाई है, वहाँ पर महंगाई रेट चल रही है 10.3% पर, ओके 10.3% है याद कर लीजिएगा, 10.3% वहाँ पर अभी महंगाई चल रही है, वहाँ पर वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसी बेसिस पर ले लीजिए बहुत सारा रेट नहीं है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर इंटीग्रेशन करना थ्रेड करना छोड़ें, पर उनके बेसिस पर काम करना स्टार्ट करें, यही इस आर्टिकल्स में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। प्लीज माय स्टूडेंट्स रिकमेंड करूंगा प्लीज रीड आउट दिस आर्टिकल, कि अच्छी अच्छी चीज अच्छी अच्छी वोकैबुलरी को आप जरूर सीखेंगे, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी तो 100% कुछ ना कुछ चीज सीख पाएंगे। सेकंड देखिए, सेकंड आपके सिटीजनशिप फिगर ऑन असम एनआरसी फाइनल लिस्ट राइट, इसके बेसिस पर आपको नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो एनआरसी के बेसिस पर है, एनआरसी पर स्टेट ऑफ एनआरसी के बोल तो आपके नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट। एंड देन इसमें एक तरह से आर्टिकल्स पर कहा जाता है कि लगभग 19 लाख पीपल, लगभग अप्रोक्स कह रहा हूँ नॉट एग्जैक्ट फिगर है, लगभग 19 लाख पीपल जिनको इन एनआरसी के बारे में बाहर रखा गया है उनको वापस इंक्लूड करने के लिए क्या राइट है, क्या एक तरह से रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके बेसिस पर क्या काम करना चाहिए उन लोगों जो 19 लाख पीपल है या वो शहरों को आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहिए। एक तरह से देख सकते हैं एनआरसी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी लिख सकते हैं एनआरसी रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप एनआरसी रिलेटेड क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एक टॉपिक बेस पर भी लिख सकते हैं किस बेसिस पर कौन कौन से स्टेट फॉलो करते हैं, कहाँ से वो रोहिंग्या से प्रवेश करते हैं, कहाँ से वो रोहिंग्या प्रवेश करते हैं, एंड जो रिमाइनिंग रह गए उनको क्या वापस वापस पूरी कंट्रीज में भेजा जाएगा, उनके लिए इसमें गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेगी या उनको एक विशेष बाहर मौका दिया जाएगा, इस बेसिस पर वापस अपना एक विशेष प्रूफ एविडेंस के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये इनके सिटीजनशिप है। तो दिस इज द बहुत आर्टिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, एनआरसी से रिलेटेड आर्टिकल्स है, आई होप आपको मालूम होगा। अभी दिल्ली में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह से दिल्ली जो कैंडिडेट अध्यक्ष है अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिवर्सिटी होती उन्होंने भी दिल्ली में भी इसको एक तरह से लागू करने की सिफारिश की है, एक तरह से अभी लागू नहीं किया लेकिन सिफारिश की है कि दिल्ली में भी इस तरह के बहुत से डेंजरस पर्सन रहते हैं, रेंजर पर्सन जो बाहर से आए उनको भी एनआरसी के एनआरसी लाना चाहिए एक तरह से कह सकते हैं। तो एक तरह से कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से फ्रूटफुल भी है ऑल ओवर सिटीजन्स के लिए जो इंडियन सिटीजन्स है उनके लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका उनका हक है ऑल ओवर गवर्नमेंट फैसिलिटीज के बेसिस पे, फैसिलिटीज के बेसिस पे जिनका उनका हक नहीं है ओके, जो बाहर से आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका हक होना चाहिए ओके, यही इस आर्टिकल्स में कहा गया। आई होप शो पेज क्लियर हुआ आपके दोनों आर्टिकल्स, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर एनी डाउट यू कैन आस्क मी डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में ओके। उम्मीद हम चलते हैं आज की पॉकेट पर। देखिए फर्स्ट वर्ड रिटॉरिक, मैं जैसे कहा था जो शब्द का भंडार हो, तुम शब्दों का भंडार हो ऐसे ही रिटॉरिक करें, डेकोरेटिव हो जिसको बोलते हैं ओके, उसको बोलते हैं याद कर लीजिएगा। हर स्पीच वर्सेस एंड टेल रिटॉरिक ओके,
temptations, it means solicitations, solicitations, so it means बहुत ही अच्छा word से I hope and think of each other whole words are now it means temptations यानी कि जिसको लोग हो कुछ लोग लालच देना उसको बोलते हैं temptations solicitations is the synonym of temptations it could have been irresistible so temptations should try to go back okay alleviate बहुत ही अच्छा word से I hope आपने first time सुना होगा alleviate it is किसी को और एंटिटीज कंजक्शंस की तरह यूज होता है याद रखिएगा जिसमें से ये ऑल दो यूज होता है थ्रू यूज होता है नॉट विद स्टैंडिंग हम यूज कर सकते हैं जैसे कि आपके आपके ऑल दो इंटरनेट से यद्यपि जिसको हालांकि जिसको बोलते हैं हिंदी में वहां पर भी यूज कर सकते हैं एलिवेट कैपिटल लेटर का बहुत अच्छा वर्ड्स है कंजक्शंस की तरह होता है एग्जांपल देखिए ही एक्सेप्टेड द जॉब एलिवेट विद चांस ऑफ एजुकेशन ओके जो कथित रूप से उसको बोलते हैं बेस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड से बेस्ट मीन्स कि वर्ड की तो ये पहले कि इंप्लाइज समथिंग यानी कर्टेन समथिंग किसी चीज में हिट हो जाना उसको बोलते हैं बेस्ट ओके बेस्ट इज द पावर टू एक्सेस देयर टैलेंट दैट कम्स विद देयर अटॉर्नी ओके आई होप यू गाइस क्लियर हुआ होगा यानी किसी चीज में हिट हो जाना वहां पर यूज कर सकते हैं बेस्ट ओके नेक्स्ट देखिए तो है यानी कि डेस्टिनेशन लक जिसका किस्मत हो भाग्य हो वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं फैट ओके डेस्टिनेशन लक इज द सिनोनिम ऑफ फैट ओके नाम की तुलना तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग स्मेल विल इज द सो विद स्ट्रॉन्ग ऑफ विद स्ट्रॉन्ग ऑफ फैट ओके वी हैव सिक्स वर्ड टेक स्क्रीनशॉट अभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत अपलोड कर सकते हैं ओके नेक्स्ट देखिए डॉक्टरिंग इट मींस स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल आपको हमने बहुत बार यूनिवर्सिटी में डिस्कशन कर चुका हूं रेगुलर बेसिस पर हिंदू एडिटोरियल्स जो टू आर्टिकल्स आते हैं एक पेज में 100% ये तो एक तरह से पर आर्टिकल्स में होता है तो आई होप अब आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए डॉक्टर मींस ऑफ कैटेनेट एंड प्रिंसिपल जो बेसिक हो मूल सिद्धांत हो मौलिक सिद्धांत उसको बोलते हैं जिसको उसको बोलते हैं डॉक्टर The doctor was founded at Dr. Wilson of equality for the people, so for all people, okay? Ambiguity, it means unclear who has it so to us, but she hopes to want an ambiguity. Naam ki tarah rakhkar vichar kijiyega. There is a degree of ambiguity in this statement, okay? Equilibrium, so bahut hi acha word hai, I hope aapne first time suna hoga. Equilibrium is equilibrium, so naam ki tarah rakhkar yaad rakhiyega, balance something, yani santulan something, okay? Example dekhi, tree maintenance balance and equilibrium in the environment, right? This is a great example for the exams point of view and easy language learning. Easy language learning मैंने अच्छे examples create किया. I hope so guys आपको if you like the my effort, बहुत अच्छे लगे हैं देखिए बहुत time लगता है sentence create करने में. Word search करने में sentence create करने में words को type करने में sentence को type करने में तो please your responsibility sentence को like करें share करें and subscribe करें channels को ताकि most of videos upload हो तो तुरंत आपको notification मिल जाए बहुत help करेंगे आपके exam point of view ये मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ अगर आप learning discipline में आपको advice के लिए मैं देता हूँ sentence create के लिए comment box में तो 100% कुछ chances आपके लिए जरूर help करेंगे ओके वर्ड कर लेने की denominations denominations यानी items it means आपके adjectives तो याद रखिएगा people from several different religions and denominations participated in the event okay देखिए each of them was taken screenshot अभी भी आपको time मिले तो तुरंत आप read out its steps and literal interpretations can be properly best fit doctrines ambiguity equilibrium safety monetization so okay इस steps हम read out करेंगे तो देखिए ओवर आपके पास 24 hours रहने 24 hours है तो only for 10 hours आपको remember करना है पर डे के बेसिस पे आई गारंटी आप इंग्लिश में कहीं भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सीरीज आई होप यू आर एंजॉय द सेशन स्टिक बाय एंजॉय द सेशन सो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल जय हिंद जय भारत लव यू ऑल और सभी का दिन मंगलमय हो